डियर स्टूडेंट आरसीएल एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, उसी में अपन आज नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जो OH बंध विदलन की जो अभिक्रियाएं चल रही थी उसमें लास्ट रिएक्शन है एल्कीन के साथ अभिक्रिया, यानी अम्लीय जो प्रवृत्ति की अभिक्रिया उसमें बात करें एल्कीन के साथ अभिक्रिया होता क्या है। इसमें जो आपका एल्कोहल है उस एल्कोहल की अभिक्रिया यदि एल्कीन के साथ करवा दी जाए तो यहां से OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और डाइएथिल ईथर जो है उसका फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ये अभिक्रिया भी एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर क्या ध्यान रखना है कि एल्कोहल होगा आपका, उस एल्कोहल की अभिक्रिया आपको किसके साथ करवा दे, एल्कीन के साथ करवा दे, तो यानी OH बॉन्ड क्लीवेज करके यहां से किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, डाइएथिल ईथर का निर्माण कर लेंगे। ये अभिक्रिया जो होगी वो भी एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो देखिए कैसे होता है, इसमें टॉपिक चल रहा है अपना नेक्स्ट एल्कीन के साथ अभिक्रिया, एल्कीन के साथ अभिक्रिया, ये आपका एल्कोहल है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा CH3CH2OH। इस एल्कोहल की अभिक्रिया मैंने करवाई एल्कीन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहां से डाइएथिल ईथर का निर्माण किस प्रकार से हो जाता है, एल्कीन में जो ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो यहां पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव, यानी आंशिक इस कार्बन परमाणु पर क्या आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा आंशिक धनावेश। चूंकि आप एल्कोहल में कौन से बॉन्ड रिएक्शन की पढ़ रहे हैं, आप OH बॉन्ड रिएक्शन, यहां पे क्या आएगा एज ए प्लस, यहां पे क्या आएगा ओ नेगेटिव। तो देखिए यहां से एच पॉजिटिव जो पार्ट है वो कहां पे जुड़ जाएगा इस कार्बन के नेगेटिव पार्ट, और ये ओ नेगेटिव है वो कहां पे जुड़ जाएगा इस कार्बन के पॉजिटिव। तो देखो क्या बन जाएगा यहां पे CH3CH2, यहां पे ओ ये आपका CH2, ये आपका CH3, यानी कि जो ईथर होता है इसको बोलते हैं ईथर, यानी कि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री होती है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है ईथर का। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री है, दोनों फ्री वैलेंसी को कौन जुड़ रहा है यहां पे एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल के रूप में यहां पे कौन है एथिल है, यहां पे कौन है एथिल, दोनों सेम होने के कारण इसको मैं क्या बोल सकता हूं डाइएथिल, और ये क्या है आपका ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा डाइएथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर है यहां पे एल्कीन के साथ अभिक्रिया कि एल्कोहल है उस एल्कोहलों की अभिक्रिया एल्कीन के साथ कराई जाती है तो डाइएथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। यह अभिक्रिया भी एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है क्योंकि यहां से एल्कोहल का एच प्लस प्रोटोन के रूप में निष्कासित हुआ है, इस कारण अभिक्रिया जो है वो एसिडिक नेचर को शो कर रही है। तो ये आपका जो एल्कोहलों के जो रासायनिक गुणधर्म में जो पहला पॉइंट था रा अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसी में जो बी चलेगा आपका नेक्स्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की अभिक्रिया, तो नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे CO बंध विदलन की अभिक्रिया CO बंध विदलन की अभिक्रिया, यानी चार प्रकार की रिएक्शन चल रही थी उसमें सेकंड पॉइंट बात कर रहे हैं CO बंध विदलन की अभिक्रिया। CO बंध विदलन की जो अभिक्रिया उसमें एल्कोहलों की जो CO बंध विदलन की अभिक्रियाओं के अंदर एल्कोहलों की जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है, फिर 2 डिग्री एल्कोहल होता है और फिर कौन होता है 1 डिग्री एल्कोहल। एल्किनोल यानी एल्किनोल में CO बंध विदलन की सुगमता का क्रम निम्न होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा 3 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन होगा यहां से 2 डिग्री एल्कोहल और फिर कौन होगा यहां से 1 डिग्री एल्कोहल। यानी कि CO बंध विदलन की अभिक्रियाओं की जो सुगमता का क्रम है
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री है। अब CO बॉन्ड रिएक्शन के अंदर अपन पहला पॉइंट बात कर रहे हैं हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसी के अंदर पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो देखो यहां से एग्जांपल के रूप में मैंने यहां पे एल्कोहल होगा आपका CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल। अब हैलोजन एसिड के रूप में आपका HCl है, HBr है, HI। अब इनकी जो क्रियाशीलता की क्रम, हैलोजन एसिड की जो क्रियाशीलता का क्रम यहां पे क्या ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, फिर HBr और HCl। तो यहां पे हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, तो ये ध्यान रखना है आपको, हैलोजन अम्लों की CO बंध विदलन के आधार पर, आधार पर क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा HI, फिर कौन होगा HBr, फिर कौन होगा S। तो ये ध्यान रखना। तो हैलोजन अम्लों की CO बंध विदलन के आधार पर जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या होगा, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr और फिर कौन होगा S। तो यहां से देखें एल्कोहल है, इस एल्कोहल की अभिक्रिया आपने हैलोजन एसिड, मैंने यहां पे HCl और अभिक्रिया मैंने करवा दी शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो आप उनको पता है कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन, यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब HCl है वो कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव और यहां पे क्या आएगा Cl नेगेटिव। तो आपको पता है OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, H2 बाहर निकल जाएगा, यहां से H2 बाहर निकल जाएगा और यहां से देखो पॉजिटिव पार्ट में कौन जुड़ जाएगा, यहां पे ये Cl नेगेटिव पार्ट, ये बन जाएगा आपका CH3CH2Cl। एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। तो यहां से डियर स्टूडेंट हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया में क्या बताया कि जो आपका एल्कोहल है इस एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड एवं जल का निर्माण हो जाता है। यदि आपने एल्कोहल है इस एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन एसिड के रूप में आपने HCl लिया है और अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में करवाई है शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में, तो यहां से क्या बन जाए एथिल क्लोराइड बन जाए, तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है ग्रुप प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ग्रुप प्रक्रम कहलाता है। तो यह है अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह है अभिक्रिया ग्रुप अभिक्रिया कहलाती है, क्या अभिक्रिया क्या कहलाती है ग्रुप अभिक्रिया। ऐसे ही मैंने एग्जांपल सेकंड के अंदर लिया CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ NaBr प्लस H2S, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, यहां पे H पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यहां से क्या हो जाएगा H2 बाहर निकल जाएगा और यहां पे CH3CH2 ये क्या रहेगा आपका Br, यानी एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। ये भी हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, लेकिन इस अभिक्रिया को गुरु अभिक्रिया नहीं बोलते। आपसे पेपर में पूछे कि गुरु अभिक्रिया निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे गुरु अभिक्रिया, तो आपको क्या लिखना है कि एल्कोहलों की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल HCl के साथ शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइडों का निर्माण हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है ग्रुप अभिक्रिया। तो देखो यहां से हैलोजन एल्किल हैलाइड तो यहां से भी बनाया लेकिन ये ग्रुप प्रक्रिया नहीं। ऐसे ही मैंने थर्ड एग्जांपल के अंदर लिया CH3CH2OH और इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई HI के साथ, NaH2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई, तो यहां से कैसे टूट जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से CO बॉन्ड की रिएक्शन करवानी है, क्या लाना है नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो देखो यहां से एल्किल हैलाइड बन जाएगा आपका CH3CH2I और यहां से आउटकम हो जाएगा H2, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। तो ये है आपकी हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया।
इसी में नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है सीओ बॉन्ड रिएक्शन जो चल रही है उसमें फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया होता क्या है इसमें डियर स्टूडेंट कि जो आपका एल्कोहल है उस एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस हैलाइड के रूप में आप कौन कौन से हैलाइडों की बात करेंगे, PCl5 है, PCl3 है, PbR3, यानी एल्कोहलों की जो अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइड PCl5, PCl3, PbR3 के साथ करवाई जाती है, तो यहां से भी किसका निर्माण हो जाता है, एल्किल हैलाइडों का निर्माण हो जाता है। ये अभिक्रिया भी कार्बन ऑक्सीजन विद बॉन्ड विद के अभिक्रिया होती है। तो देखें यहां से किस प्रकार होता है जिसमें फास्फोरस हैलाइडों के साथ PCl5 है, PCl3 है, PbR3, ये सभी क्या कहलाते हैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यानी इन सभी को सम्मिलित रूप से मैं क्या बोल सकता हूं, फास्फोरस हैलाइड। इन फास्फोरस हैलाइडों के साथ मैं एल्कोहलों की अभिक्रिया करवाऊंगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइडों का। तो देखो यहां से किस प्रकार से होगा, मेरे पास एल्कोहल लिया मैंने CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई फास्फोरस हैलाइडों में, पहली बात की है मैंने यहां से PCl5 से अभिक्रिया। अब PCl5 से जब मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं तो यहां से क्या होता है, PCl5 से अभिक्रिया में PCl5 को ओपन इस प्रकार से कर देता हूं CnCl, PCl5 बन जाएगा, तो यहां से क्या होता है बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा, साइड साइड से निकल जाएगा यहां से, और यहां साइड का ये HCl बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहां से CH3CH2Cl एल्किल हैलाइड बन गया, और मिड के रूप में देखो PO यहां पे क्या है Cl, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3CH2Cl, आउट हो जाएगा आपका POCl3, और यहां पे ये बन जाएगा आपका HCl, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। POCl3 जो होता है इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, यानी एल्कोहलों की जो अभिक्रिया है वो फास्फोरस हैलाइड यानी कि PCl5 जिसका नाम क्या है फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ करवाई जाती है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी फास्फोरस हैलाइड PCl5 अभिक्रिया करेगा तो हमेशा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी POCl3 बाहर निकलेगा और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ऐसे ही यदि आपने एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के रूप में PCl3 के साथ करवाई, PbR3 के साथ करवाई, तो हमेशा एल्कोहल के कितने मोलों के मध्य अभिक्रिया संपन्न करवानी पड़ती है, 3 मोल के मध्य अभिक्रिया संपन्न करवानी पड़ती है, वहां से भी किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। लेकिन वहां पे जब भी अभिक्रिया PCl5 करेगा तो आउट कौन होगा, सह उत्पाद के रूप में POCl3, जब भी अभिक्रिया PCl3 के साथ आप करवाओगे वहां पे सह उत्पाद के रूप में फास्फोरस अम्ल, और फास्फोरस अम्ल के रूप में यहां से कौन बाहर निकलता है, H3PO3, और किसका निर्माण हो जाएगा, यहां से एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। तो देखो यहां से नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं इसमें PCl3 व PbR3 से अभिक्रिया, इनके साथ अभिक्रिया करवाने, तो देखो अभिक्रिया कितने मोल के मध्य संपन्न होगी, 3 मोल के मध्य, देखो यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे CH3OH, एल्कोहल के कितने मोल लिए मैंने यहाँ पे 3 मोल, और इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई, PCl3 के साथ, PCl3 को आप कैसे लिख ले यहाँ पे, तो देखो यहाँ से क्या करना है, CO बॉन्ड क्लीवेज करवाना है यहाँ से, यानी कि ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, और यहाँ से P, तो देखो 3 हाइड्रोजन का मतलब क्या है यहाँ पे H3 1 P इसका मतलब, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो
इसका मतलब साइड प्रोडक्ट के रूप में हमेशा मैंने बताया क्या बाहर निकलेगा H3PO3 और क्या बन जाएगा यहाँ पे तीनों CH3 एल्किन ग्रुप पर कौन जुड़ जाएगा तीनों CL जुड़ जाएंगे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका CH3Cl और सामने क्या लिख देंगे इसका मतलब मैथिल क्लोराइड इसका मतलब एल्किल हैलाइड बन जाएगा क्या। इसी प्रकार से आपने PBr3 के साथ अभिक्रिया करवाई तो सेम ऐसे ही हो जाएगा CH3OH PBr यहां पे ये Br और ये Br तो देखो यहां से क्या हो जाएगा CO bond के लिए भी हो जाएगा तो यहां से ये H3PO3 बाहर निकल जाएगा क्या बन जाएगा यहां पे CH3 ये Br और ये H3PO3 इसका नाम क्या है भाई फास्फोरस अम्ल। ये क्या है आपका मेथिल ब्रोमाइड और ये क्या है आपका फास्फोरस अम्ल। तो ये है आपका फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान क्या रखना है डियर स्टूडेंट कि एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड PCl5 PCl3 PBr3 के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है एल्किल हैलाइडों का निर्माण हो जाता है जिसमें आपने PCl5 की बात की है कि एल्कोहल है उस एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड के रूप में एथिल क्लोराइड बन जाएगा और PCl5 जब भी अभिक्रिया करेगा तो सहउत्पाद के रूप में कौन बाहर निकल जाएगा POCl फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसी प्रकार से PCl3 PBr3 से इसी प्रकार से यहां से क्या बन जाएगा PCl3 में PBr3 से अभिक्रिया। अब PCl3 में PBr3 से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से भी क्या बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा लेकिन यहां से सह उत्पाद के रूप में H3PO3 यानी फास्फोरस अम्ल बाहर निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है।